किस चीज़ का शूट कर रहे हैं आप, क्या जानना चाहूँगा इसके बारे में? तो हम लोग बेसिकली रात्रि के यात्री सीजन 2 शूट कर रहे हैं, जो कि हंगामा प्ले पर आएगा. और ये एक एंथोलॉजी है, जो इसका जो पहला सीज़न था वो काफ़ी सक्सेसफुल था, सो दैट इज़ वाई हम लोग सेकेंड सीज़न कर रहे हैं. और सेकेंड सीज़न तो मैंने सुना है और भी सक्सेसफुल होने वाला है. मैं एक प्रोस्टिट्यूट प्ले कर रही हूँ और जिसका नाम मलिका है, एंड वेरी पॉजिटिव, वेरी काइंड. और जब कोई उसके साथ रूड भी होता है तो वो बहुत अच्छे से बिहेव करती है उनके साथ में. सो यही एक स्टोरी है, वेरी 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 इंटरेस्टिंग. और कैसे एक रात में इनका आउटलुक भी चेंज हो जाता है. एंड सो बेसिकली जो सारी स्टोरीज हैं वो रेड लाइट एरिया में क्या क्या चीजें होती हैं रात को और लोगों के बिलीव्स कैसे चेंज होते हैं. एंड 5 कहानी है, राइट? 5 कहानियां हैं बेसिकली, तो उसमें से हम एक कहानी प्ले कर रहे हैं. और जो मेरा रोल भी है वो मैं एक विशेष नाम के बंदे का रोल प्ले कर रहा हूँ, जो कि एक हेंचमैन बिजनेसमैन है, अबाउट टू बिकम अ पॉलिटिशियन. और उसे हर चीज़ें जो हैं वो इधर ब्लैक और वाइट दिखाई देती हैं. उसे समझ में नहीं आता है कि ग्रे चीज़ें भी हो सकती हैं, ग्रे एरियाज भी होते हैं जहाँ से मतलब आपका जो नज़रिया है वो चेंज हो सकता है. सो ऐसा ही कुछ होता है विशेष के साथ. उसे एक बहुत स्ट्रांग बिलीफ होता है कि ये जो तरह का जो काम करती हैं और नहीं बोल सकते हम तो जो बाद में फिर किस तरीके के अपने जो बिलीव्स हैं वो चेंज हो जाते हैं या फिर होते हैं या नहीं होते हैं वो देखने लायक होता है कि नहीं. बिल्कुल. कितना चैलेंजिंग है या फिर कितना एंजॉय कर रहे हैं इस रोल को? एक्चुअली मुझे मज़ा आ रहा है. मैंने मतलब ऐसे एक कभी पॉलिटिशियन का रोल प्ले नहीं किया है. सो इट्स क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग हेड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, पत्थर दिल का बना हुआ है, तो मुझे मज़ा आ रहा है. और एट द सेम टाइम जो ऑपोजिट जो इनका भी जो रोल है वो भी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है. तो हम लोग जो दोनों जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जब एक दूसरे के सामने आते हैं तब फिर वो एक यू नो एक ईगो क्लैश होता है और वो जो घमासान युद्ध होता है वो देखने लायक होता है. एंड वी हैवंट वर्क्ड टुगेदर. Yes, we know each other since so many years. So many years. Since 2010, yeah. We had gone to you know some adventure park, right? Correct. Yeah. Correct. And हमने वहाँ बहुत सारी मस्तियाँ की थी. पर उसके बाद हमने कभी काम करने का मौका नहीं मिला. बस कभी नहीं मिला. We've known each other for so long, and now it's like so happy that we are working together. You know. Yeah. So thank you, Anil V. Kumar sir, yes, that they thought yes. of pairing us up. And yeah, so this show is of Anil V. Kumar sir, produced and directed by him. A special credit to him basically because he was my director for Meri Aashiqui Tumse Hi too. And it's a special place in my heart to work with him again. Because he's a kamal ke director. I feel he's Sanjay Leela Bhansali of television. And I think films will be very soon. So, working with him is different. And इतने क्रिस्प प्रिसाइज शॉट्स लेते हैं तो एक एक शॉट जो होता है बहुत मजा आता है काम करने में. सो आई एम रियली एंजॉयिंग इट. या एंड अगर इसी शो की अगर बात करें तो व्हाट मेड यू से एज टू दिस शो, मतलब क्यों लगा कि हां ये वाला शो ये शो करना चाहिए एंड दिस कैरेक्टर इस कैरेक्टर को प्ले करना? फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ अनिल वी कुमार. सेकंड थिंग द स्टोरी वाज वेरी इंटरेस्टिंग. एंड थर्ड थिंग आई गॉट टू प्ले विद अदा खान. मेरा भी यही थ्री रीजंस थे, एग्जैक्टली द सेम. सोने पे सुहागा. या टोटली. एंड बहुत जल्द आ रहा है हंगामा प्ले पर, सो आप सब जरूर देखना रात्रि के यात्री सीजन 2. सो व्हाट इज द यूएसपी पॉइंट ऑफ रात्रि के यात्री सीजन 2? अरे हमें यार और क्या यूएसपी चाहिए. शक्ति अरोरा नादा खान है, देख लो इसी, यही यूएसपी है. और हंगामा प्ले पे है. और यू नो जो आपने काम किया पहले सर के साथ, अनिल सर, यस यस, कौन सा शो? नागिन. अच्छा अच्छा. सो देखो ना, मतलब इन्होंने भी पहले काम किया, हमने भी पहले काम किया हुआ है. सो वो भी एक एक स्पेशल चीज़ है हमारे लिए यू नो ये प्रोजेक्ट चूज करने के लिए. और यूएसपी आई थिंक सारे एक्टर्स, या आई थिंक ही इज गॉट ऑल ग्रेट एक्टर्स इन दिस 5 एपिसोड्स, ऑल ऑफ अस. एंड ऑफ कोर्स वो अनिल सर की डायरेक्शन तो है ही, बट आई थिंक उन्होंने लाइक शक्ति इज देयर, शरद इज देयर, Rashmi is there, so I think all of us are there, and I think we all are the USP of the show. And every story has a very very interesting storyline, you know. सबकी अलग कहानी है. 5 episodes,
सबकी अलग अलग कहानी है, अलग प्रोस्टिट्यूट की स्टोरी है. सो आई थिंक इट्स गोना बी फन. सो प्लीज़ हम ज़्यादा अगर बोल देंगे आपको तो फिर बचेगा क्या. तो इसलिए प्लीज़ रात्रि के यात्री देखिए सब लोग. एंड इसी के साथ मैं जानना चाहूँगा कि मतलब जब जिस तरीके से हमें होता है कि सबकी एक अलग अलग कहानी है, सबकी एक अपनी अपनी स्टोरी है, इतनी सारी स्टोरीज के बीच में आपकी स्टोरी लोग देखेंगे तो मतलब उनको कितना चैलेंजिंग होता है खुद का, मतलब खुद का एक इम्पोर्टेंस फील कराना, खुद के एक कैरेक्टर को अच्छा करना, एक मतलब लोगों को अपनी तरफ खींचना. ज़्यादा से ज़्यादा हम बस अपने यू नो शिद्दत से काम कर सकते हैं, अपने कैरेक्टर को बखूबी निभाने की कोशिश कर सकते हैं. द मैक्सिमम वी कैन गिव इज 100%. उससे ज़्यादा तो आप दे नहीं सकते. उसके बाद ऊपर वाले की मर्जी होती है कि वो ना वो मतलब आपके ऊपर यू नो. एंड दिस इज अ सीजन, सो वी वांट द एंटायर सीजन टू बी अ सक्सेस. के एक स्टोरी या वो स्टोरी, इट्स ऑल अ टीम वर्क यू नो. एंड आई थिंक ये 5 एपिसोड्स हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे वी आर द पार्ट ऑफ द होल सीजन. तो वी वांट द सीजन टू ऑल्सो टू बी एज सक्सेसफुल एज सीजन 1 और मे बी मोर सक्सेसफुल देन सीजन 1. सो आई थिंक दैट्स ऑल वी कैन होप फॉर. और अभी भी एक्सपीरियंस हम उसे मतलब यू नो एक्सपीरियंस ही कर रहे हैं, अभी भी शूट ही कर रहे हैं. सो मज़ा आ रहा है सीन करके. और एक्चुअली जो मेन जो सीन जो था हमारे पूरे एपिसोड का वो यही है जो अभी हम लोग फिलहाल शूट कर रहे हैं. और जो सेटिस्फैक्शन की जो परम सीमा होती है वो पार हो रही है, बस अच्छे से हो जाए. सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं रहे, बॉलीवुड का उभरता सितारा था, उनके बारे में आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? इट्स वेरी सैड एंड शॉकिंग टू हियर सच अ बैड न्यूज़. बहुत बुरा हुआ. और बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई वो बंदा शेर था, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता. ही वाज अ जेम ऑफ अ पर्सन, पर्सनालिटी, ही हैड एन अमेजिंग पर्सनालिटी. डेफिनेटली इट वाज अ शॉक एंड डिसबिलीव एंड स्टिल I think everyone is in shock and you know because just as ne kaha ke no sher tha wo banda and unka ye news sunke I think we all were shaken and we all are still shaken. So I would just like to give my condolences to family and of course to Shehnaz. Thank you very much. आप दोनों के साथ आइए ना. मैं हार्ड टू वर्क विथ हिम अगेन क्योंकि बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं. आई फील ही संजय लीला भंसाली ऑफ टेलीविजन एंड आई थिंक फिल्मों के भी बहुत जल्द बन जाएंगे. सो उनके साथ काम करने का मज़ा ही अलग है. और इतने क्रिस्प प्रिसाइज शॉट्स लेते हैं तो एक एक शॉट जो होता है बहुत मज़ा आता है काम करने में. सो आई एम रियली एंजॉयिंग इट. एंड अगर इसी शो की अगर बात करें तो व्हाट मेड यू से एज़ टू दिस शो, मतलब क्यों लगा कि हाँ ये वाला शो, ये शो करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ अनिल वी कुमार. सेकेंड थिंग द स्टोरी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. एंड थर्ड थिंग आई गॉट टू प्ले विथ अदा खान. मेरा भी यही 3 रीजंस थे, एग्जैक्टली द सेम. सोने पे सुहागा. या टोटली. एंड बहुत जल्द आ रहा है हंगामा प्ले पर. सो आप सब जरूर देखना रात्रि के यात्री सीजन 2. सो व्हाट इज द यूएसपी पॉइंट ऑफ रात्रि के यात्री सीजन 2? अरे हमें यार और क्या यूएसपी चाहिए. शक्ति अरोरा नादा खान है, देख लो इसी, यही यूएसपी है. और हंगामा प्ले पे है. और यू नो जो आपने काम किया पहले सर के साथ, अनिल सर, यस यस, कौन सा शो? नागिन. अच्छा अच्छा. सो देखो ना, मतलब इन्होंने भी पहले काम किया, हमने भी पहले काम किया हुआ है. सो वो भी एक एक स्पेशल चीज़ है हमारे लिए यू नो ये प्रोजेक्ट चूज करने के लिए. और यूएसपी आई थिंक सारे एक्टर्स, या आई थिंक ही इज गॉट ऑल ग्रेट एक्टर्स इन दिस 5 एपिसोड्स, ऑल ऑफ अस. एंड ऑफ कोर्स वो अनिल सर की डायरेक्शन तो है ही, बट आई थिंक उन्होंने लाइक शक्ति इज देयर, शरद इज देयर, रश्मि इज देयर. सो आई थिंक ऑल ऑफ अस आर देयर एंड आई थिंक वी ऑल आर द यूएसपी ऑफ द शो. एंड एवरी स्टोरी हैज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन, यू नो. सबकी अलग कहानी है. 5 एपिसोड्स
सबकी अलग अलग कहानी है, अलग प्रोस्टिट्यूट की स्टोरी है, सो आई थिंक इट्स गोना बी फन. सो प्लीज़ हम ज़्यादा अगर बोल देंगे आपको तो फिर बचेगा क्या. तो इसलिए प्लीज़ रात्रि के यात्री देखिए सब लोग. एंड इसी के साथ मैं जाना चाहूँगा कि मतलब जब जिस तरीके से हमें होता है कि सबकी एक अलग अलग कहानी है, सबकी एक अपनी अपनी स्टोरी है, इतनी सारी स्टोरीज के बीच में आपकी स्टोरी लोग देखेंगे तो मतलब उनको कितना चैलेंजिंग होता है खुद का, मतलब खुद का एक इम्पोर्टेंस फील कराना, खुद के कैरेक्टर को अच्छा करना, एक मतलब लोगों को अपनी तरफ खींचना. ज़्यादा से ज़्यादा हम बस अपने यू नो शिद्दत से काम कर सकते हैं, अपने कैरेक्टर को बखूबी निभाने की कोशिश कर सकते हैं. द मैक्सिमम वी कैन गिव इज 100%, उससे ज़्यादा तो आप दे नहीं सकते. उसके बाद ऊपर वाले की मर्जी होती है कि वो ना वो मतलब आपके ऊपर यू नो. एंड दिस इज अ सीजन, सो वी वांट द एंटायर सीजन टू बी अ सक्सेस. के एक स्टोरी या वो स्टोरी, इट्स ऑल अ टीम वर्क यू नो. एंड आई थिंक ये 5 एपिसोड्स हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे वी आर द पार्ट ऑफ द होल सीजन. तो वी वांट द सीजन टू ऑल्सो टू बी एज सक्सेसफुल एज सीजन 1 और मे बी मोर सक्सेसफुल देन सीजन 1. सो आई थिंक दैट्स ऑल वी कैन होप फॉर. तो बता दिया कितनी बार एक्सपीरियंस बताए. माइंड ब्लोइंग था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और अभी भी एक्सपीरियंस हम उसे मतलब यू नो एक्सपीरियंस ही कर रहे हैं, अभी भी शूट ही कर रहे हैं. सो मज़ा आ रहा है सीन करके. और एक्चुअली जो मेन जो सीन जो था हमारे पूरे एपिसोड का वो यही है जो अभी हम लोग फिलहाल शूट कर रहे हैं. और मतलब जो सेटिस्फैक्शन की जो परम सीमा होती है वो पार हो रही है, अभी हो रही है, बस अच्छे से हो जाए. सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं रहे हैं, बॉलीवुड का उभरता सितारा था, उनके बारे में आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? इट्स वेरी सैड एंड शॉकिंग टू हियर सच अ बैड न्यूज़. बहुत बुरा हुआ. और बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई वो बंदा शेर था, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता. ही वाज अ जेम ऑफ अ पर्सन, पर्सनालिटी, ही हैड एन अमेजिंग पर्सनालिटी. डेफिनेटली इट वाज अ शॉक एंड डिसबिलीव एंड स्टिल I think everyone is in shock and you know because jaise isne kaha ke no sher tha wo banda and unka ye news sunke I think we all were shaken and we all are still shaken. So I would just like to give my condolences to family and of course to Shehnaz. Thank you very much. Right. Okay. आप दोनों के साथ आइए ना. Thank you.